डिजिटल के साथ मुझे कहते हैं अमरीन अली। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। लापता अफराद से मुतल्लिक ये केस था जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था। वो ज़ाती हैसियत में पेश भी हुए और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो भी जो अफराद हैं जो लापता हुए हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ज़रूर इस हवाले से जो है वो अदालत को कोई पेशरफ्त रिपोर्ट भी देंगे। और अदालत ने 2 माह का हुक्म भी दे दिया है। इस वक्त मेरे साथ ये छोटा सा बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा, ये है साफ़ी मुदस्सिर नारो जो काफ़ी अरसे से लापता हैं। ये उनका बेटा है और मेरे साथ उनके वालदैन भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज अदालत ने एक अहम डायरेक्शंस दी और काफ़ी अरसे से ये केस भी जो है वो चल रहा है। सबसे पहले मैं बच्चे से हाल अहवाल पूछना चाहूँगी। बेटा क्या नाम है आपका और कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो, क्या नाम है? सचल। सचल, अच्छा ये हैं मुदस्सिर नारो के बेटे, सचल नाम है इनका। और ये भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। मेरे साथ मुदस्सिर नारो की वालदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात भी की और अपना जो मौक़िफ़ था वो भी अदालत के सामने जो है वो पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा ये बताइए, आज जो अंदर अदालती कार्रवाई हुई, आपने अपना जो मौकिफ था वो भी अदालत के सामने पेश कर दिया है, तो अब क्या कहती हैं? 2 माह का जो टाइम है वो अदालत ने दे दिया है हुकूमत को, देखते हैं। लेकिन ये तो आज अब वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी टाइम दे दिया है मुझे बात सुनने का। तो इधर वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो गई, उनसे भी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह। वालदैन जी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, मेरे साथ वालिद साहब भी मौजूद हैं मुदस्सिर नारो के, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा मुदस्सिर नारो, एग्जैक्ट कितनी मुदत बीत चुकी है, कब वो लापता हुए थे और क्या इस्लामाबाद से ही लापता हुए थे? मुदस्सिर नारो 20 अगस्त 2018 को लापता हुए थे, तो 4 साल से ऊपर का अर्सा हो गया तो लापता है। वो कागान से KPK से लापता हुए थे और इसमें जो है पिछली हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत और वहाँ की KPK की हुकूमत वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोग प्राइम मिनिस्टर से भी मिले लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो कितने अरसा आपको बीत चुका है, कितनी पेशियाँ अभी तक आप भुगत चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट? वैसे तो मिशन में उसको 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 1.5 साल से हमने दायर की है। 4 साल से केस जो है हमारा वो मिशन फॉर इंक्वायरी मिसिंग पर्सन एनफोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन इसमें चल रहा है, जिसके चेयरमैन जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन भी जी। वहाँ पे पिछले महीने मेरी तारीख थी, उन्होंने बुलाया, मैं गया हूँ तो मुझे पता चला कि वो कहते हैं कि 1 साल से आपका केस जो है वो हमने क्लोज कर दिया हुआ है, अभी हमने रीओपन किया है। तो इससे पता चलता है कि जी। शुक्रिया बहुत बहुत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सिर नारो के वालदैन से बात की। छोटा बच्चा जो कि मुदस्सिर नारो का बेटा है, वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और वालदैन मुतमईन हो गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर इस केस पर जो है वो नज़रसानी कर ली है। और वो उम्मीद भी नज़र आ रहे हैं कि 2 माह के बाद लाजमी है कि वो उनके भी चेहरों पर एक मुस्कुराहट होगी और जो फाइनली है वो मुदस्सिर नारो से मिल सकेंगे। जी करना है तुमने।